इसमें दो जगह दिया है, 3.3 वोल्ट, क्या होता थ्री है? पॉइंट थ्री वोल्ट सर इसमें दो जगह दिया है, एक थ्री दो जगह, तीन जगह दिया है। हाँ ये जो, हाँ ये जो वोल्टेज है ना, ये तीन में से किसी भी जगह कनेक्ट कर सकते हो आप, एक ही ओके। यहाँ पर भी कनेक्ट कर दो, चाहे ग्राउंड को, यहाँ से किसी भी बटन को, किसी भी पॉइंट को ले सको, चाहे जहां भी कनेक्ट करोगे हर जगह वो काम करेगा, ठीक है। तीन मतलब से चार कि दे, हाँ तीन से चार दे दिए हैं ग्राउंड। अब जहां पे ग्राउंड दिए, तीन तीन कहीं से ग्राउंड, भी हम सप्लाई दे सकते। तीन सप्लाई कहीं से भी दे सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप मतलब इन दोनों को एक साथ में यूज करो, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी सप्लाई दो आप, ओके। और हाँ, तो हमने बेसिकली बस हमें इतना ही इसमें जानना है कि हमें कनेक्ट कैसे करना है। रीसेट बटन से क्या करोगे आप? रीसेट करोगे, रीसेट बटन से रिफ्रेश क्या करोगे, करेंगे ये सर। पूरा रीसेट हो जाएगा, ओके। बोले तो जैसे जैसे आप कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जैसे रिफ्रेश करते हो उसी तरह ये रीसेट हो जाएगा, ओके। मैंने ये, मैं बटन ये प्रेस कर रहा फिर हूँ अभी, मैं इस वाईफाई मॉड्यूल को क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। अगर मुझे इसके अंदर का पूरा प्रोग्राम डिलीट करना, पूरा फ्लैश कर देना है, तो क्या करना है, फ्लैश वाला बटन जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो आप फिर से, ये वाला बटन, ये फ्लैश, ये वाला फ्लैश, इसको क्या यस करोगे, इसको प्रेस कर दो लगभग 5 से 10 सेकेंड, और इसको 5 से 10 सेकेंड प्रेस करने के बाद छोड़ दो, ये पूरा फ्लैश हो गया। अभी इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ओके। यस तो अभी इसमें मैंने फ्लैश कर दिया। अगर फ्लैश, अगर यहाँ से भी कभी कभी यहाँ से नहीं भी होता है फ्लैश, तो कोई उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर से फ्लैश कर देंगे पूरा, ओके। बोलो क्लियर इतना? यस सर। हाँ, तो अगर अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं कि वाईफाई जैमर, ओके। वाईफाई जैमर से याद रखना है कि ये एक डेंजरस टेक्निक होती है, तो इसका आप कभी भी कहीं भी गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके खुद और स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहे हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं और ये बनता कैसे है, ठीक है, ताकि आप इन फ्यूचर किसी को, किसी डिफेंस में आप इसको यूज कर पाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पर्सनली यूज करते हो या किसी पर्सनली को, किसी को टारगेट करते हो, तो आप उसके खुद और स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। चलिए, यस तो सर। हाँ स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले वाईफाई जैमर बनाने के लिए ना, हमें कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों ने व्हाट्सएप चेक किया होगा, तो ग्रुप में मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेयर सेंड किया है, याद है, आप देखा आप लोगों ने, यस सर। देखिए मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स भेजे हैं, जीप फाइल भेजा है, तो वो जी फाइल देखना। सबसे पहले आप जाना Node.MCU, देखिए आपको दो फाइल दिख रहा होगा, ओके। आपको ये दो फाइलें आपको दिख रहा होगा, दो फाइल जो है कुछ इस तरह से हैं आपकी, ये देख सकते हो आप, ये देखो, एक मिनट, एक ये फाइल है, एक ये है और एक ये है, ये दो फाइल आपको दिख रहा होगा, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, आपको मैंने व्हाट्सएप किया है, ठीक है। ये दोनों फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले जो Node.MCU फ्लैशर है मास्टर, इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। कभी भी अगर जैसे कोई भी बनाता है, तो अगर कोई भी बंदा हो जिसने अगर टूल्स बनाता है, तो एक अपना सॉफ्टवेयर भी बनाता है ताकि वो चीज आसानी से वो चीज बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक Node.MCU फ्लैशर मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कोई भी चीज इस मॉड्यूल के अंदर, ये जो वाईफाई मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन वो प्रोग्राम जो फाइल होनी चाहिए, वो बिन फाइल में होना चाहिए, ओके। बिन फाइल में वो सारा चीज होने, और उस बिन फाइल के अंदर जो कोडिंग होती है ना, वो आर्डिनो की ही कोडिंग होती है, ओके। तो आप चाहो तो इसको आर्डिनो से भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट अभी हम लोग यहाँ पे Node.MCU फ्लैशर मास्टर का यूज करके बनाएंगे ताकि आसानी हो जाए हमें, ठीक है, ये काफी इजी हो यस जाएगा, सर, ओके। आपने जो व्हाट्सएप पे दो पीडीएफ सेंड किया सर, ओपन नहीं हो रहा है। उसको डाउनलोड करिए, मोबाइल में ओपन नहीं होगा वो, अच्छा, लैपटॉप में हो जाएगा। हाँ लैपटॉप में उसको डाउनलोड करेंगे तब जाके ओपन होगा, मोबाइल में नहीं ओपन होगा, ओके सर, क्योंकि मोबाइल हम सपोर्ट नहीं कर रहा है इसकी। हाँ मोबाइल में जीप फाइल आपका सपोर्टेड नहीं होगा ना, यस सर, यस। तो अभी आप इस पे राइट क्लिक, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे जाना है आपको, आपका सिस्टम विंडोज मतलब 32 बिट का होगा तो 32 बिट का फाइल चूज करना, अगर 64 बिट का हो तो 64 बिट का, ओके। तो फिलहाल में हमारा 64 बिट का, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे रिलीज पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपको फ्लैशर का एप्लीकेशन मिल जाएगा, बस इस फ्लैशर एप्लीकेशन को क्लिक कर दीजिए आप, मतलब उसको
कनेक्ट करने के बाद हम चाहे तो, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं सर, लैपटॉप की सहायता से कनेक्ट करके। जैसे मतलब कि सर मतलब कि इसका बटन, जैसे कि इसका फ्लश फ्लैश का बटन दिया है सर, मैंने इस बटन की सहायता से अगर नहीं हो पा रहा है सर, तो मतलब कि नहीं सॉफ्टवेयर नहीं की नहीं सहायता। सॉफ्टवेयर की मदद से अभी अभी हमें इसके अंदर प्रोग्राम तो डालना है ना, अभी बस इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग इसमें प्रोग्राम डाल रहे हैं। ओके, हम लोग इसका इस सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ फ्लैश नहीं कर रहे हैं उसको, हम लोग इसके मदद से इसमें प्रोग्राम भी डाल रहे हैं, इसके अंदर भी प्रोग्राम भी डालेंगे। अभी इसको देखिए तो सही, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना नोड एमसीयू फ्लैशर मास्टर, तो फ्लैशर मास्टर मतलब इसको फ्लैश करके उसमें प्रोग्राम डालना था, ठीक है, एक फ्रेमवेयर है प्रोग्रामर का, ठीक है, तो इसके अंदर फ्लैशर दिया है, लेकिन इसका, अच्छा इसका फ्लैशर नाम से आपने सोचा कि इसको पूरा क्लीन कर देगा, नहीं, फ्लैशर का मतलब इसको फ्लैश करके उसमें, अगर फ्लैश करेगा तो उसमें एक नया सॉफ्टवेयर भी डालेगा, यानी नया प्रोग्राम भी डालेगा उसमें। ओके क्लियर अभी? अच्छा, यस सर, यस। इसके बाद इसमें करना होता है हमें कॉन्फिगर, कॉन्फिगर से पहले आप जाओ यहाँ एडवांस में, अबाउट में कुछ नहीं है, लॉग में कुछ भी नहीं है। ओके, ये सब उनके जिसने बनाया उसको अपने बारे में वो यहाँ पे नोटेड करा रहे हैं हमें। ओके, तो यहाँ पे एडवांस में चले जाओ, और एडवांस में यहाँ पे बाउ रेट, यहाँ पे बाउ रेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बाउ रेट आप, हालांकि आप कोशिश करिए कि 2300 से लेके 1100 के इसी के बीच में रखिए, ठीक है, 2300 से लेके, नहीं 7400, इसके इन दोनों के तीनों के बीच में रखिए। तो हम, मैं यहाँ पे इन तीनों के बीच में यही आता है, तो इसलिए इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बाउडेट। इसके बाद फिर फ्लैश साइज, फ्लैश साइज आप कोशिश करो कि 4 MB इसमें रहने दो, ठीक है, 1 MB भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 MB बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट है, चलेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लैश की साइज, हालांकि फ्लैश की साइज जो हमारे वो तो काफी कम है, लेकिन हम लोगों ने 4 MB थोड़ा से बढ़ा के लिया है इसमें, बहुत ज्यादा भी बढ़ा के मत ले लो अब। ओके, और यहाँ पे है फ्लैशर स्पीड, फ्लैशर स्पीड को भी इसको बाई डिफॉल्ट 40 MHz है, इसको भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं, से 80 MHz कर दोगे तब पर भी कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, बट हाँ इसको कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। फिर है डायो, तो सीप मोड जब भी रखो ना, एसपीआई मोड, हमेशा एसपीआई मोड आपका डायो में होना चाहिए, ठीक है, इसको ये सब बाय डिफॉल्ट इसको रहने दो। ओके, इसमें हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। ये नोड एमसीयू के कुछ मानक हैं जो कि यहाँ पे जो दिखाई जा रहे हैं, ठीक है, ये सब ये मानक हैं, तो मतलब ये फिक्स है कि लगभग इतनी वैल्यू होनी ही चाहिए, इतना रखते हैं हम लोग। ओके क्लियर सभी को? प्लीज रिप्लाई करिए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे बाउड रेट जो है आप इसको ये रखो 11500, सॉरी कितना हो गया, दो 11502, नहीं यस सर, 11000, ये कितना, 1 लाख है क्या? 11,000 बावन, 1,15,200 हाँ 1,15,200 इतना है, यस। ठीक है, तो अभी अबाउट रेट जो है आप इतना रखो, ठीक है, ये कुछ मानक है, ठीक है, आप इसको समझ लो कि नोड एमसीयू 8266 का ये क्या है, कुछ मानक है जो कि 11502 होना चाहिए। फ्लैश साइज आप 4 MB, 1 MB भी रख सकते हो, कम भी कर लोगे कोई दिक्कत, लेकिन 4 MB से ज्यादा भी मत करना, ठीक है, 8 MB करने में कभी कभी ये फ्लैश साइज बढ़ जाती है ना, तो फिर हमें स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। ओके, अभी ये फ्लैश साइज आप चाहो तो इसको कम बेसी कर लो, 1 MB कर लोगे तो चेक कर लेते हैं 1 MB पे ही, ठीक है, 1 MB करके चेक कर लेते हैं। ओके, और इससे पहले हमें अपने पहले देखना पड़ेगा हमारा फ्लैश साइज का क्या होगा, ये शायद 1 MB है ना, नहीं ओके, अगर ये 1 MB, अगर ये है तो हमें कम से कम इसमें ज्यादा रखना पड़ेगा, कम से कम इसको 2 MB रखते हैं हम लोग, हैं फ्लैश साइज आप 2 MB रख लो। ओके, अगर ये, अगर 1 MB का, तो 1 MB उसको एक्स्ट्रा ही दो, ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद फ्लैश स्पीड इसको 40 MHz रखो, सही है, और स्पीड मोड डायो लिखो, ठीक है, ये इतना रहने दो, इतना कॉन्फिगर, ये सही है, ये मानक है इसके, तो इस मानक को कभी मैं भूलना नहीं, ये मानक हमें याद रखना चाहिए, कितना मानक होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग कॉन्फिगर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ESP8266, ठीक है, डी ऑथर, ये डी ऑथर जो है ना, ये डी ऑथर ने ही बनाया इसको, ठीक है, तो इसलिए इसने अपना पासवर्ड सब कुछ इसने यहाँ पे अपना डाल के रखा हुआ है। ओके, तो चलिए ये चीजें हो गई, अभी हमारा काम क्या है ना, अभी हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, और
ऑपरेशन पे जाते हैं और यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देंगे। जैसे फ्लैश पे एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद ना इसको रिमूव करना है और ना ही इसको कभी स्टॉप करना है, अगर एक बार फ्लैश पे क्लिक कर दिया तो। क्योंकि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके? वरना पूरी की यस सर, पूरी, हाँ पूरी की पूरी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम जाम हो जाए, ये आपका जो नोड एमसीयू है पूरा पूरा स्टक भी हो सकता है, ओके? तो ये डेंजरस डेंजरस होगा अगर आप इसको बीच में फ्लैश को रोकते हो तो, ओके? हाँ, छेड़छाड़ नहीं करना कुछ। इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। बट हाँ, अगर हो भी जाता है, जैसे कभी कभी हो जाता है ऐसा कि बाई मिस्टेक आपने कर भी दिया है कोई गलती, तो बट कोई नहीं, हो जाता है, उसको सही कर दिया जा सकता है, ओके? अब ये फ्लैश होना शुरू हो गया। अभी आप जब फ्लैश होगा जिस टाइम, तो आप देखो इसमें लाइट ब्लिंक हो रही है। यस सर हाँ, फर्स्ट टाइम आप जब भी करोगे तो इस तरह से आपका लाइट ब्लिंक होगा। ये और सर, ये इसमें बारकोड कैसा आया सर? ये बारकोड आ गया है इसमें। जो देखिए, मैंने आपको बताया कि हर एक, अगर वाईफाई कोई भी चीज यूज करते हो ना, तो हर वाईफाई का एक अलग अलग मैक एड्रेस होता है, ठीक है? तो ये जो वाईफाई राउटर है ना, ये मैक एड्रेस है। अगर कोई भी अगर आपको पकड़ना चाहे तो इसी मैक एड्रेस से आपको पकड़ता है, ठीक है? और हर वाईफाई का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, तो वो मैक एड्रेस है। इस वाईफाई जो इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना, तो यही मैक एड्रेस आएंगे आपके दोनों, ओके? यस इसमें लगभग 1 से 2 मिनट ले सकता है इसको कंप्लीट होने में। सर, इसमें ये स्टॉप लिखा हुआ है, ये स्टॉप नहीं लिखा, स्टॉप ब्रैकेट के अंदर एस, क्या लिखा है? ये एक नहीं लिखा है सर, स्टॉप और ब्रैकेट के अंदर एस लिखा है सर। हाँ, अगर इसको क्लिक कर दूंगा तो सर ये रुक जाएगा। रुक जाएगा, बट रोकने की जरूरत नहीं है। रोकोगे तो फिर ये, मैंने बताया ना, रोकोगे तो प्रॉब्लम ही यस करता है। सर, यस हाँ, यस ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है कि कर दोगे तो क्या होगा, जरा फिर आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। सही हो जाएगा, फिर भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि डेढ़ हो जाएगा। बहुत बड़ी मोबाइल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि डेढ़ हो जाए तो फिर वो बनेगा नहीं, बनेगा, बन जाएगा फिर से। लेकिन मतलब आप फिर से आपको घंटों परेशान होना पड़ जाएगा। परेशानी है। थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी आपकी, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। कि मतलब क्या, बम ब्लास्ट नहीं कर जाएगा, फटने वाला नहीं है, ओके? यस चलिए, ये हो गया कंप्लीट सर, हमारा। अब हमने यहाँ पे कर दिया फ्लैश कंप्लीट, ठीक है? अगर अब हमें इसमें देखना है सबसे पहले, तो हमें यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो यहाँ पे स्कैन करना। देखो यहाँ पे लिख रहा है PWNED, दिख रहा है आप लोगों को? यस हाँ, तो आपने PWNED, वाईफाई अपना खोला है तो। ओके। तो यहाँ पे वाईफाई, ये जब भी, अभी ये वाईफाई जो है ना, ये वाईफाई आपको जो दिख रहा है ना, ये वाईफाई मेरा नहीं है। PWNED, ये वाईफाई मेरा नहीं है। वाईफाई मेरा मोटो वाला जो दिख रहा है ना, ये मोटो का मेरा वाईफाई है। लेकिन PWNED यस ये कौन सा है, ये इसका है। तो आपको जब भी वाईफाई मिलेगा, PWNED के माध्यम से ही मिलने वाला है, ओके? तो अभी आप लोग जस्ट, अच्छा, हाँ, तो इस नाम से दिखेगा आपको। अभी आप लोग जस्ट थोड़ी सी बस वेट कीजिए। और मैं क्या करता हूँ ना, कि पहले एक मोबाइल को मैं सेटअप करता हूँ, मैं एक और मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ, फिर मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखा पाऊंगा आपको प्रॉपर, ओके? ओके सर, माइक म्यूट कीजिए अपना, ऋतिक ना पड़ेगा मुझे। ये भी सही है सर, रिकॉर्डेड वीडियो भी सही है सर। हाँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया ना एक साथ दोनों स्क्रीन, और मेरे पास अभी कोई थर्ड पार्टी ऐसा सॉफ्टवेयर है नहीं कि मैं मोबाइल का स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर पाऊँ, यस ओके? सर, यस, वैसा ही कर दीजिएगा सर, रिकॉर्डेड वीडियो बना के सेंड कर दीजिएगा सर ग्रुप में, वही मैं कर ये रहा भी हूँ, सही है सर, ये आइडिया सही है। ठीक है? और कुछ, और सर नहीं सर, क्लियर है। और कोई पूछना है तो आप लोग बोलिए, अदरवाइज क्लास को ओवर करेंगे और मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो ये डाल दूंगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ओके? और सर ये पूछना था कि बाकी सबका सर वो रिकॉर्डेड वीडियो कब तक मिलेगा सर, अगर आपको रिकॉर्डेड भी, रिवीजन भी हो जाता हाँ तो हाँ सही हाँ रहता। रिकॉर्डेड अभी आप लोग का आईडी पासवर्ड नहीं बना है, मान के चलिए आपको कल कंफर्म मिल जाना चाहिए, ठीक है? आज इवनिंग तक, अभी आज मुझे कुछ काम भी है, बट इवनिंग तक अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो मैं देखता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ, ओके? यस किसका? सर, और एम्बेडेड का भी थोड़ा हो जाता तो सही रहता, एम्बेडेड सिस्टम का।
हाँ इम्ब्रेड सिस्टम का मैं कोशिश करूंगा, इम्ब्रेड सिस्टम का भी मैं करा दूं, ठीक है। हाँ यस, ओके चल, ठीक थैंक यू सर, है, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अभी पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए, आपको मेरे ख्याल से पिछला सब कुछ पता होगा। तो बेसिकली हमारा काम यहाँ पे रुका हुआ था कि हमें वाईफाई कैसे डीएल में हम देख नहीं पाए थे एक्चुअली कैसे करना है, कैसे वाईफाई जाम, ठीक है। तो जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे दो फोन है, एक फोन में वाईफाई कनेक्टेड है और लेने के सिक्स पावर, इसको मुझे डिसकनेक्ट करना है, और दूसरा फोन है हमारे पास PWM-ED से जो कनेक्टेड है जिससे कि हमें अटैक करना है। ओके, मतलब इस फोन से एक जो फोन आप यहाँ पे देखो जो PWM-ED से कनेक्टेड है, इसके माध्यम से एक फोन के माध्यम से हम लोग दूसरे फोन को जो वाईफाई डेटा है उसको वाईफाई जो कनेक्टेड है उसको डिसकनेक्ट, ओके वाईफाई जाम कर देंगे। ओके, तो आप ये वाईफाई किसी भी राउटर किसी पे भी अप्लाई किया जा सकता है, बट करना कभी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 192.168.4.1 इतना लिख के आप एंटर कर दो। ओके, इतना डाल के आप जैसे एंटर करोगे आपको एक वेब पेज खुल जाएगा। अगर ये नहीं खुलता है तो एक और तरीका है। ओके, जल्दी अगर नहीं खुलता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इस पे जाओ और यहाँ पे ना लिख दो HTTP और यहाँ पे सेमी कॉलम दे दो और यहाँ पे डबल डॉट रख के यहाँ पे एंटर कर दो। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज कनेक्टेड हो चुका है। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, और अभी मैं यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक करते हैं और यहाँ सबसे पहले हम लोग स्कैन करेंगे, ठीक है। जितने भी नेटवर्क होंगे उस सारे नेटवर्क स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क आप देख सकते हो कि लेनोवो K6 पावर है। अभी आप दूसरे फोन में भी देखो तो लेनोवो K6 पावर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें आपको स्टेशन पे जाना है और यहाँ से फिर से एक बार स्कैनिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस वगैरह स्कैन करेगा प्रॉपर। ओके, जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आपके नज़दीक में 10 मीटर के रेंज में जितने भी वाईफाई होंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैट इसका स्कैन पे क्लिक कर दिया। द एक्सेस पॉइंट विल बी अनेबल टू विल बी स्कैन यू मे बी रिकनेक्ट। ओके, यहाँ से रिकनेक्ट करने के लिए बोला है, कोई बात नहीं, हम लोग एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, चलिए अभी फिर से इसको रिस्टार्ट करते हैं। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मैक एड्रेस दिख रहा है और लेने के 6 पावर। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बस इसको, हमें इसको आप सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और ये सेलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, फिर से रिलोड कर लीजिए। ओके, अभी लेने को 6 पावर आ चुका है। यहाँ पे दो दो लेने को 6 पावर दिख रहे हैं, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी बाई मिस्टेक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है ऐसा, ठीक है। अभी आप देखो एक लेने को 6 पावर हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ जाना है, स्टेशन के बाद जाना है हमें अटैक पे जाना है और यहाँ पे अटैक कर देना है। आपको बस अटैक करोगे वाईफाई जाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्टेड क्या है, लेने के 6 पावर, आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ क्या सेलेक्टेड है, लेने के 6 पावर। ओके, यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो लेने के 6 पावर है। ओके, अभी मैं यहाँ पे डी ऑथर पे बस जैसे ही क्लिक करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे डी ऑथर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप यहाँ पे ये देख सकते हो अभी यहाँ पे ये जो लिखा है डी ऑथर, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा क्या होगा, ये तुरंत स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे देखना, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लेने के साथ दूसरे फोन में देखना, अभी ये जो कनेक्टेड है अभी आप देखना ये दूसरे, एक मिनट, अभी ये अटैक प्रॉपर पेज लोड नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्रॉपर लोड होगा तो ये कनेक्ट हो गया है। ओके, चलिए आप दूसरे फोन में आप देखना अभी क्या चीज़ें होती हैं, दूसरे फोन का जो वाईफाई है वो डिसकनेक्ट कर जाएगा अभी, जस्ट सेकेंड, कुछ सेकेंड ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर भी सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर भी ये सेलेक्टेड है ना, हाँ, अगर ये सब कुछ सेलेक्टेड है तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे जाते हैं और फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ओके, देखा आपने, जैसे अभी वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं था, यहाँ पे स्टेशन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें टोटल, ठीक है। हमने ऑल पे क्लिक कर लिया है, जैसे ही हमने यहाँ पे, अभी आप देखना ये जो दूसरे फोन में अभी देखो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जा रहा है, कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जा रहा है, जबकि इस पे पासवर्ड सब कुछ पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी डिसकनेक्ट हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेव लिखा है बट कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, अभी मैं स्टॉप कर लेता हूँ यहाँ पे, और जैसे आप स्टॉप करोगे, स्टॉप करोगे, ऑन करोगे ना,
आपका जो नोड एमसीयू ना उसमें भी एक लाइट जलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो, रिस्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो इसमें भी एक चलेगा। ओके, अभी आप फोन को फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। देखो ना, अभी फोन से देखो, अभी आप फिर से देखो, फोन कनेक्टेड हो गया है। वह जो लेनोवो K6 पावर, उससे देखिए फिर से कनेक्टेड है। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी यह देखना, फिर से नोड एमसीयू की जो नोड एमसीयू बोर्ड है उसमें एक ब्लू कलर का लाइट जलेगा फिर से। ओके, अभी आप देखो ये डिसकनेक्ट हो चुका है। फिर से देखना, डिसकनेक्ट हो गया। स्टॉप कर दो, फिर से इसको कनेक्ट करना है, फिर से कनेक्ट कर दो। अभी थोड़ा सा टाइम, जस्ट सेकेंड तो लेगा ये, ठीक है। ओके, देखना अभी ये कनेक्ट कर रहा है और ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें वाईफाई जैमर बनाते हैं और वाईफाई जैमर बना कैसे किसी भी वाईफाई को बंद कर सकते हैं, ठीक है। सो ये काम आप एक छोटा सा डिस्प्ले लेके भी कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आप खुद से ही ले लो और उसको बना के कर सकते हो। बट हमें फिलहाल में मोबाइल हमारे पास है, जो कि मोबाइल आसानी से अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, इस वजह से हम मोबाइल से ही काम करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम अब भी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। ओके, सो ठीक है, अभी वीडियो को स्टॉप करते हैं पूरा।